मैंने ना मर्द बनाने बंद कर दिए। अब तो सर छोटे चुतिए बड़े चुतिए महाचुतिया भेजता है दुनिया में। आंचो। Once more, once more! दोस्तों, क्या आपने 2009 में आई हुई फिल्म कमीने देखी है, जिसमें शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की धासु परफॉर्मेंस दिखाया गया था? और क्या आपको मालूम है ये फिल्म का जो डायरेक्टर था वो था विशाल भारद्वाज। उनका ही दूसरा फिल्म कुत्ता आ रहा है दोस्तों, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विशाल भारद्वाज की दूसरी मूवी कुत्ते के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनके सुपुत्र आसमान भारद्वाज ने। फिल्म की ट्रेलर देख के ये लगता है कि ये फिल्म जो है गाली गलौज से भरा हुआ है, और ये फिल्म जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी नहीं देख सकते। अगर देखना चाहते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपका नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स का कान जरूर सकता है दोस्तों। इस फिल्म का टाइटल देख के लगता है कि ये फिल्म जो है किसी एक चीज के सेंटर में बनाई हुई है, मतलब एक मकसद के पीछे, यानी कि एक हड्डी के पीछे मोहल्ले का सारा कुत्ता इसके पीछे पड़ा हुआ है। जिस फिल्म का डायरेक्टर का नाम आसमान है, क्या दोस्तों आपको लगता है उस फिल्म का स्टार कास्टिंग मामूली होगा? नहीं दोस्तों, इस फिल्म में जो स्टार कास्टिंग की है ना, वो देख के आपका आग जो है जल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का स्टार कास्टिंग में अर्जुन कपूर, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान, नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा और अनुराग कश्यप जैसे सीजन्ड एक्टर। वैसे हम अर्जुन कपूर को तो सीजन्ड एक्टर नहीं कह सकते, राइट? गजब बेइज्जती है। इस फिल्म का ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि पुलिस और चोर मिल के एक वैन लूटने की कोशिश कर रहा है, जो कि पैसे से खचाखच भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस चोरी में पुलिस भी शामिल है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तभी आता है जो ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे पता चलता है कि वो पैसे से भरा हुआ वैन किसी और ने लूट लिया है। और यहाँ पे आ जाता है बहुत सारी गाली गलौज की बौछार। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। शराफत का सामान है मेरा। पांचो एक दूसरे को लगता है कि एक दूसरे ने धोखा देके ये जो है पैसा चुरा लिया है। अर्जुन कपूर एक दूसरे के ऊपर शक करने लगता है और टब्बू अपने हिस्से की पैसे की खोज में लगा पड़ता है। बात करते हैं एक्टिंग के बारे में, तो राधिका मदान का जो एक्टिंग है, वाह वाह वाह, इनकी खूबसूरती की तारीफ जितना किया जाए उतना कम है दोस्तों। लेकिन आप जब ट्रेलर देखोगे ना, इसके मुंह से निकला हुआ गाली जो है आपके कान के पर्दा जो फटा सकता है। संभल के देखिएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी भूल के जो है ना ये ट्रेलर अपने पेरेंट्स के सामने मत चलाइए दोस्तों। ट्रेलर में तो बस इतना ही दिखाया गया है, लेकिन फिल्म का बाकी स्टोरी जो है वो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म रिलीज होने वाला है 2023 की 13 जनवरी में। कुत्ते फिल्म का ट्रेलर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम बताना चाहेंगे फिल्म जो है बहुत ही मसालादार होने वाला है हमको लगता है, क्योंकि फिल्म का स्टार कास्टिंग जो है भाई क्या ही बताए, कितना सारा स्टार एक फिल्म में जुटा दिया है। और सीजन विशाल भारद्वाज की जो कलाकारी और डायरेक्टर की जो नमूना पहले हम देख चुके हैं, उसके लिए ऑडियंस ये फिल्म जरूर देखने जाएगी। और तो और दोस्तों, इस फिल्म से अर्जुन कपूर को बहुत फायदा मिलने वाला है। कैसे? अर्जुन कपूर एक ऐसा एक्टर है जिनका कैरियर ग्राफ हर वक्त नीचे जा रहा है बॉलीवुड में, लेकिन वो बॉलीवुड के हीरो है दोस्तों, उनको कोई नहीं मार सकता। इसीलिए अगर ये फिल्म हिट हो जाता है तो उनके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखने वाली बात ये है नसीरुद्दीन शाह का एक्टिंग कैसा है और टब्बू का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा निखर के आएगा इस फिल्म के अंदर से। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कुत्ते फिल्म का ट्रेलर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी कुत्ते फिल्म देखने जाना चाहते हैं 2023 के 13 जनवरी में, कमेंट बॉक्स में अभी डालो कि किसके साथ आप जा रहे हो। अपने पेरेंट्स के साथ मत जाना दोस्तों, दोस्त लोगों के साथ जरूर जाना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो बेल आइकन जो है उसको भी तोड़ डालो, ताकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर एक न्यूज और खबरें आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।